अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एफ किचन फूड ज़ायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अस्मा। तो मैं आज लेकर आई हूँ समर स्पेशल, जी हाँ, खोवा मिल्क शेक। जी हाँ, खोवा मिल्क शेक बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो आइए चलिए, इसको क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हम आपको बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ग्लास यानी हाफ लीटर है मिल्क, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर रख दिया था। ये है चिल्ड, फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था, तो एकदम ये चिल्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 10 से 15 काजू, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप्स करके रख लिया इसके पीसेस। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यार, मैंने खोवे को ले लिया है। तो ये एक कटोरी खोवा है। खोवा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा मिल्क शेक का। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधी कटोरी हमारी शुगर। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 पिंच है हमारा इलायची पाउडर। अब हम ये यूज़ करेंगे ग्रीन कलर, फूड कलर, देख सकते हैं आप, एप्पल ग्रीन। तो अब हम इसके अंदर 2 पिंच ऐड करेंगे कलर। अब हमको चाहिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आइस क्यूब्स हैं, मैं ले रही हूँ 24। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक अच्छे से बाउल को ले लिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 ग्लास मिल्क। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आइस क्यूब्स। ये देखिए आइस क्यूब्स अब हम अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। दूध अच्छे से चिल्ड है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर शुगर। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, समर स्पेशल है फ्रेंड। जी हाँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अलग है, तो पियेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल ग्रीन फूड कलर। जी हाँ, ये देखिए लाइट, ये देखिए एकदम लाइट सा डालना है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स हमने खोवे को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। खोवा डालने से दूध में जो है गाढ़ापन अच्छे से आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि समर स्पेशल, समर सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो फ्लेवर चेंज करके हमको घर में बनाना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही यम्मी होता है। बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आप लोग मेरे स्टेप फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए तो ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट हमारा खोवा मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए चलिए हम इसको सर्व कर आपको दिखाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स अब मैंने ले लिए हैं 2 ग्लास। जी हाँ, अब हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स। ये देखिए तो ये एकदम चिल्ड चिल्ड वाला ज़बरदस्त हमारा खोवा मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसके अंदर अच्छे से सर्व कर दिया है। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर कटे हुए काजू। तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है खोवा मिल्क शेक। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। तो हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।